नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। सालों से अधर पर लटकी जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बीजेपी कार्यालय में पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। स्वागत देख केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट गदगद नजर आए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना हल्द्वानी के साथ ही तराई के क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं यूपी के 2 जिलों की तहसीलों को भी जमरानी बांध बनने से सिंचाई और पीने के लिए पानी मिलेगा। अजय भट्ट ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना के लिए 2500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जमरानी बांध के विषय में उनकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र शेखावत और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अहम भूमिका रही है, जिनके अथक प्रयासों के दम पर आज जमरानी बांध को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उन्होंने संसद के अंदर भी जमरानी बांध के मुद्दों को बड़ी गंभीरता से उठाने का काम किया और आज वो अपने को भाग्यशाली मानते हैं कि उनके काल में जमरानी बांध जैसी महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी मिली है, जो कि उनके सांसद के कार्यकाल का स्वर्णिम अवसर है। मैं अभिभूत हूं और गदगद हूं। जमरानी बांध के लिए माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, केसी पंजी, इला पंजी, बाबा जी, बल्ला जी और भगत दास सभी लोग लगे हुए थे। उसके बाद मैं आया तो कोश्यारी जी ने बार बार मुझसे कहा कि जमरानी बांध पर लगातार काम करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाते रहो। और वो राज्यपाल बनने के बाद भी मुझसे पूछते रहे क्या प्रोग्रेस है। लगातार मैं मॉनिटरिंग करते रहा, एक एक स्टेप करके देखते रहा। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। 3 जुलाई 2019 को मुझे पहली बार संसद में जाने पर, पहले सत्र चलने पर, पहले ही बार में जमरानी बांध का जो सवाल है 0 आवर में उठाने का मौका मिला। ये मेरी मेडन स्पीच रही। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि 15 दिन में उन्होंने तत्काल उत्तराखंड के अधिकारियों को बुलाकर सारी रुकावटों को दूर किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ, जब जब केंद्र ने जो जो सहायताएं चाही है तुरंत बिना विलम्ब के उनको भेजा। मेरी उनसे लगातार वार्ता और क्रॉसमेंट होते रहा। मैं निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी का, पेयजल मंत्री जी जो हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, और पर्यावरण मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी का विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने पद पद पर इसकी जो कमियां रह गई थी उसको दुरुस्त करने में भूमिका निभाई। ADP द्वारा ये स्कीम ली गई थी, लेकिन अगर ADP करती तो 2025 से इसका काम शुरू होता या नहीं होता वो भविष्य के गर्भ में था। जब उनकी मनसा हमने जान ली कि 25 से पहले वो कोई काम करने के मूड में नहीं है, क्योंकि हमने अधिकांश दूरियां भी कम कर दी थी, कमियां भी पूरी कर दी थी, तब भी वो इसे आगे नहीं ले जा रहे थे। तब जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो आई उसी समय आ गई, हमने परीक्षण कराया और खुशी भी हुई हमको, शायद इसमें आ सकती है, परीक्षण में इसमें आ सकती थी। उसकी लिखत पढ़त चलाई, मुख्यमंत्री जी ने लिखा, हमने लिखा और सारे विभाग ने लिखा। उसकी परिणति ये है कि प्रधानमंत्री जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया जब से ये योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जब से गई, तब से संकट ही दूर हो गया। तो ये थी हल्द्वानी से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।